हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं ना लास्ट में, उनको अब हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, समझेंगे उसमें क्या कहा है, कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा हमारा बेसिक ट्रेंड है कि हम पहले लिखते हैं गिवन क्या है, क्या फाइंड करना है, और फिर हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। LSS नहीं भूलना, बेल आइकन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको एक तो दिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि है 68% वेट बाई वेट इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन लिखा ना, मतलब वाटर में है। वट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी, तो गिवन में है आपको डेंसिटी 1.504 ग्राम पर एम एल, ये गिवन है। वट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है बच्चों मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी होता है हमारे पास मोल्स पर लीटर, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें मोल्स चाहिए और वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, किसके लिए, नाइट्रिक एसिड के लिए। तो यहां से हम चलना शुरू करते हैं। इसमें कहा है आपसे कि 68 ग्राम HNO3 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। मतलब आपको वेट तो मिल ही गया सीधा, जिससे आप मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स ऑफ HNO3 आएंगे आपके पास 68 बाई एम नॉट, और मोलर मास होता है 63, तो जिससे आपको मोल्स मिल गए लगभग 1.08, इतने मोल्स आपको आ गए। अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये रहा, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है, ये रही। तो डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा डेंसिटी इनटू मास। तो डेंसिटी है आपके पास 1.504 ग्राम पर एमएल, और मास है आपके पास 100। तो अब आप यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें हम, एक एरर हमने यहाँ कर दी है फॉर्मूले में, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय द डेंसिटी, कभी कभी हो जाता है, इसमें क्या बात है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और डेंसिटी है 1.504। तो इससे आपको वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग, अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 66.5 ml, जिसको हम लिख सकते हैं 66.5 इंटू 10⁻³ लीटर। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए। बस हमारा काम अब हो गया, ये रहे मोल्स और ये रहा वॉल्यूम। तो मोलैरिटी यहाँ लिखते हैं अलग कलर से, मोलैरिटी हो गया मोल्स, मोल्स है 1.08 और वॉल्यूम है आपके पास 66.5 इंटू 10⁻³। और सॉल्व करेंगे इसको तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 16.2 मोलर।
16.23 मोलर अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आती है. इन दिस वे वी कैन सॉल्व. तो अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट है 2.5 क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट. ठीक है. वट वुड बी द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी ग्राम पर एमएल व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है. इसमें अब मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट भी पूछा है, डेंसिटी देकर मोलारिटी भी पूछ लिया है. तो जैसे हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को. गिवन क्या है आपके पास? ग्लूकोज का सॉल्यूशन. ग्लूकोज होता है C6H12O6 जिसका एम नॉट होता है 180. कहाँ पर है? इन एक्वस सॉल्यूशन में है. ये मतलब वाटर भी है जो दिया है आपको 10% वेट बाय वेट. राइट. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर एमएल. अब यहां लिखते हैं फाइंड क्या करना है. हमने फाइंड करना है मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड द मोलैरिटी. ये फाइंड करना है. तो अब हम कैसे फाइंड करें? जैसे हमने प्रीवियस किया था इसको भी उसी तरीके से हम ओपन अप करते हैं, यहां से शुरू करते हैं फिर से. तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. राइट. अब क्योंकि इस बार कहा है कि ईच कंपोनेंट मतलब वाटर और ग्लूकोज दोनों के लिए बताना है, तो हम यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है. इस बार आपको वाटर और ग्लूकोज दोनों के लिए बताना है. ध्यान रखना. और क्या ध्यान रखना है? LSS. राइट. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. एनर्जी हमें देते रहिए. एनर्जी बंडल एनर्जी फोटोन्स और हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे क्वेश्चंस एज अवर बेस्ट. तो अब क्या करते हैं कि निकालते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के मोल्स निकालते हैं. ग्लूकोज के मोल्स होंगे गिवन वेट बाय मोलर मास. ये होगा और ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.0555 इतनी वैल्यू. सेम मोल्स ऑफ वाटर. वाटर के मोल्स निकालेंगे गिवन वेट बाय मोलर मास 18 और ये वैल्यू आई 5. तो इंडिविजुअली हमारे पास ग्लूकोज और वाटर के मोल्स आ गए जिससे आप मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का, मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम मोलैलिटी निकालते हैं. मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? सॉल्यूट के मोल्स हैं हमारे पास 0.0555 इतने हैं. और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? ये रहा हमारे पास सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये ग्राम में है, आपको केजी में चाहिए. तो इट इज 90 ग्राम. केजी में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 यानी वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा. तो अब आपको कितनी मोलैलिटी मिलेगी? मोलैलिटी मिलेगी लगभग 0.617. ये काम हमारा यहां पर हो जाता है. अभी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए है मोल फ्रैक्शन एंड द मोलैरिटी. तो ये लीजिए जी, अब आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन. तो हम किसी का भी एक मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. मान लेते हैं हमने ग्लूकोज का निकाला. तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स बाय टोटल मोल्स. तो ग्लूकोज के मोल्स थे हमारे पास 0.0555, टोटल मोल्स थे हमारे पास 5 + 0.0555. एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, चलिए साइड में लिख देते, ज्यादा इधर हो रहा है, यहां लिख देते 0.01. और अगर हम लिखें कि x ऑफ ग्लूकोज
प्लस एक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वन, जो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वन, सम वन होता है। तो एक्स ऑफ वाटर कितना हो गया आपके पास, एक्स ऑफ वाटर हो गया हम 1 माइनस 0.01, दैट इज 0.99, ये लीजिए। तो हमारे एक एक करके आंसर निकलते जा रहे हैं। अब रह गया हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी निकाली थी, उसके लिए हमें डेंसिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रही डेंसिटी, और इस बार हम गलती नहीं करेंगे, राइट। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास बाय डेंसिटी, और मास हमारे पास है सॉल्यूशन का 100, डेंसिटी है हमारे पास 1.2, जिससे आंसर आता है लगभग 83.33 ml। लीजिए जी, वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करें, अब हमें करना है थोड़ा सा स्पेस तैयार। ये लीजिए जी, हमने स्पेस तैयार कर लिया। अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हम यहाँ चलते हैं। मोलैरिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स थे, ये रहे ग्लूकोज 0.0। अब बार बार फॉर्मूला लिखकर क्यों टाइम वेस्ट करना, आपका भी और अपना भी। वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, ये मिलीलीटर में दिया है, तो 83.33 डिवाइड बाई 1000 होना चाहिए था, तो हमने ऊपर ले गए 1000। और अब मोलैरिटी हमें कितनी मिल गई, अप्रॉक्सीमेटली 0.67 मोलर। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ। थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल है, टफ नहीं कहेंगे, लेंदी हो सकता है, इट इज नॉट टफ। क्या कहा है, गिवन क्या है आपको, सबसे पहले गिवन है HCl, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.1 मोलर, ओके। उसके अलावा क्या गिवन है, 1 ग्राम मिक्सचर गिवन है। किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। और क्या गिवन है, इक्वी मोलर है ये दोनों। इक्वी मोलर का मतलब हुआ द मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर सेम, 1 ग्राम मिक्सचर है, बस इतनी बात दी है। फाइंड क्या करना है हमने, लीजिए जी, फाइंड करना है वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ HCl कितना होगा जो कंप्लीटली रिएक्ट कर सके, कंप्लीटली रिएक्ट कर सके इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 के साथ, राइट। तो ये हमारा फाइंड आउट हुआ। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल इसके मोल्स और इसके मोल्स निकालने होंगे। पहले वो इस की हेल्प से निकालेंगे। अब हमारे पास Na2CO3 और NaHCO3 मिलाकर है 1 ग्राम। तो अगर हम एक को, किसी एक को एक्स ग्राम मान लें, तो दूसरा होना चाहिए 1 माइनस एक्स ग्राम। एम नॉट अगर सोडियम कार्बोनेट का लेते हैं, एम नॉट ऑफ Na2CO3, तो Na2CO3 का मोलर मास आता है 106, और इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास आता है हमारे पास 84 84। कहा समझिए बच्चा, मोलर मास आ गए दोनों के, वेट आ गया, और इक्वी मोलर मतलब अगर हम लिखें कि मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू NaHCO3 मोल्स, बराबर है, मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास, ये लिख दिया जी।
ये हो गया 1 माइनस एक्स बाय 84। तो देखो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी। और हम अगर इसको सॉल्व करें, आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अदरवाइज हम चाहे तो एक इक्वेशन बना सकते हैं, x इंटू 84 इज इक्वल टू 106 वन माइनस एक्स, और x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग ये वैल्यू आती है 0.56 ग्राम, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ गई। तो आपको Na2CO3 का वेट मिल गया इसका, तो नेचुरल सी बात है कि भैया आपको 1 माइनस एक्स भी मिल जाएगा, लगभग लगभग 0.44। ओके, तो NaHCO3 का जो वेट आएगा इन ग्राम वो 1 माइनस 0.56 होगा, जिसकी वैल्यू होगी 0.44 ग्राम। इंडिविजुअल मोल्स आ गए, ग्राम आ गए, वेट आ गए, मोल्स भी आ जाएंगे। तो अब अगर हम यहां पर मोल्स निकाल लें, किसके मोल्स ऑफ Na2CO3, वो होगा हमारे पास 0.56 डिवाइड बाय 106, और वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.0053, एंड मोल्स ऑफ NaHCO3 ये होगा 0.44 डिवाइड बाय 84, ये वैल्यू आती है 0.0053 अप्रोक्सीमेट। आना भी चाहिए क्योंकि इक्की मोलर अमाउंट का है, तो अगर एक के मोल्स 0.0053 है तो दूसरे के मोल्स भी बराबर आने चाहिए। अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ HCl, कौन सा HCl जिसकी मोलारिटी ये है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहां लिख सकते हैं दैट 0.1 मोल्स ऑफ HCl इन 1000 ml, दिस इज द मीनिंग ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब इस सारा कैलकुलेशन का हमने अभी तक कोई इस्तेमाल तो किया नहीं है, हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब हम रिएक्शंस लिखेंगे, और रिएक्शन के लिए हम पेज को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करा देते हैं, जिससे हमें डाटा भी मिलता रहे और सॉल्यूशन समझ भी आता रहे। तो रिएक्शन करानी है आपने Na2CO3 को HCl के साथ, इट विल फॉर्म द NaCl प्लस H2O प्लस CO2, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए तभी प्रॉपर मोल्स आएंगे। दूसरी है सोडियम बाइकार्बोनेट विद द HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं दैट वन मोल रिक्वायर 2 मोल ऑफ HCl, और यहां लिख सकते हैं 1 मोल रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, राइट। लेकिन Na2CO3 के मोल्स एग्जैक्टली कितने हैं? 0.0053, इतने मोल्स है ना, इट रिक्वायर 0.0053 इंटू 2 मोल्स ऑफ HCl। तो इतने मोल्स तो आपको चाहिए HCl के जो Na2CO3 के साथ रिएक्शन में जाएंगे, और सेम यहां लिख दीजिए आप 0.0053 मोल्स रिक्वायर 0.0053 मोल्स ऑफ HCl। तो भैया अब आपको HCl के एग्जैक्ट मोल्स कितने रिक्वायर्ड हैं वो मालूम चल गए। तो कितने मोल्स चाहिए टोटल मोल्स? टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन किसके साथ? Na2CO3 के साथ एंड NaHCO3 के साथ। कितने मोल्स चाहिए?
भाई दोनों का एल्जेब्रिक सम चाहिए, और अगर हम दोनों का एल्जेब्रिक सम करें इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आती है 0.01052, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो दोनों मोल्स को जोड़ देते हैं, 0.01052 प्लस 0.0053, और इन दो का जो जोड़ है, जो सम है, जो वैल्यू है, वो निकल कर आएगी 0.01578 के अप्रोक्सीमेटली, 7678 लगभग लगभग। ठीक है, यहीं पर ही हम अप्रोक्सीमेट है, हमने कैलकुलेशन की हुई है, राइट। तो इतने तो भई आपको मोल्स चाहिए, इतने मोल्स अगर आपको चाहिए तब कितना वॉल्यूम लगेगा। अब यहाँ आ जाइए, ये जो डबल टिक है भाई, 0.1 मोल HCl 1000 ml में है, यानी 1 लीटर में है, तो इतने मोल HCl के लिए, 0.0158 मोल HCl के लिए कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। तो अब छोटी और लास्ट कैलकुलेशन रह गई, इसके लिए हमने कलर चेंज कर लिया फाइनल कैलकुलेशन के लिए, दैट 0.1 मोल ऑफ HCl इज इन 1000 ml, राइट। सो 0.0158 मोल्स ऑफ HCl इज इन हाउ मच अमाउंट, ये होगा हमारे पास 1000 by 0.1 इंटू 0.0158 ml। कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 158 ml आपको आंसर मिल जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, लंबा क्वेश्चन था थोड़ा, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आप LSS ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सर को देते रहिए, केमिस्ट्री वाले सर को, ठीक है, और हमारी एनर्जी बढ़ाएंगे तो हम आपका कंसेप्ट लेवल, डिफिकल्टी लेवल कम करेंगे, कंसेप्ट लेवल बढ़ा देंगे। हाँ, कभी ऐसे सोच रहे हो कि हम डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा देंगे, नहीं, आपकी डिफिकल्टी लेवल कम और कंसेप्ट लेवल इंक्रीज करेंगे। लगे रहिए मुन्ना भाई, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने लिए बोल रहे हैं। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन, राइट, 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को आपने मिला दिया, तो व्हाट इज गिवन। हमने एक 300 ग्राम जो 25% था सॉल्यूशन बाय मास, इसको मिक्स किया 400 ग्राम जो 40% बाय मास था, इन दो को मिला दिया आपने, बस इतना गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका मास परसेंटेज क्या बनेगा। तो आपने क्या करना है, देखो आपको इस डाटा को यूज करना है। ये डाटा कहता है आपसे दैट 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 300 ग्राम सॉल्यूशन टोटल था, उसमें सॉल्यूट आएगा आपके पास 75 ग्राम। लीजिए जी, 75 ग्राम सॉल्यूट है टोटल 300 ग्राम सॉल्यूशन। सेम यहां भी लिख सकते हैं, 40 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये रहा। तो 400 ग्राम सॉल्यूशन
चार गुना हो गया, 160 ग्राम सॉल्यूट। तो आपको 400 ग्राम में 160 ग्राम सॉल्यूट आया, 300 ग्राम में 75 75 ग्राम सॉल्यूट आया। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूट हो गया आपके पास 160 प्लस 75, दैट विल कम आउट 235 ग्राम, ये सॉल्यूट आया। एंड टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना आया, सॉल्यूशन का टोटल वेट आया 300 प्लस 400 यानी 700 ग्राम, ये आ गया। अब फाइंड आपको करना है मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आपने अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज तो अच्छे से जानते हो आप, बचपन से देखते आ रहे हो परसेंटेज। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 235, ये रहा अंडरलाइन किया। टोटल कितना है, 700 इनटू 100, तो 235 डिवाइड बाय 7 अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा 33.5%। ये किसका आ गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। और अगर आपसे पूछते कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो भाई दो ही तो पार्ट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर एक 33.5 है तो दूसरा होगा 100 माइनस 33.5, दैट इज 66.5%। ये लीजिए जी, सॉल्व कर दिया हमने आपके लिए न्यूमेरिकल, समझिए और अच्छे से पढ़िए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है कि हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सारा एनसीईआरटी इसी तरीके से दे जाए, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा, हमें भी तो एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो अगले पेज पर हम चलते हैं। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लीजिए जी, हमने इसको अंडरलाइन किया, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो हमने पहले 2.4 2.5 किए थे उसी की तरह का न्यूमेरिकल है हमारे पास एक तरह से। इथाइलिन ग्लाइकॉल का अच्छा हुआ फॉर्मूला भी दे दिया है इन्होंने, मास भी दिया है इनका, कितने वाटर में डिजोल्व किया है वो भी बता दिया आपको। तो अब हमें सबसे पहला पॉइंट है गिवन है 222.6 ग्राम C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर ml, ये दिया है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने मोलैलिटी स्मॉल m, और क्या फाइंड करना है, कैपिटल m। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। अब सॉल्व कैसे करें इसको, तो मोलैलिटी को निकालते हैं। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं गिवन वेट बाय एम नॉट इनटू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ये हो गया 1000। ये लीजिए जी, हमारी फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, ये रहा सॉल्यूट 222.6, हाँ एम नॉट बताइए कितना है, एम नॉट निकाल सकते हैं आप इसका, विच विल कम आउट 62 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। तो सारा डाटा तो है हमारे पास, क्या चीज नहीं है यहाँ। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, तो ये हो गया गिवन वेट 222.6, मोलर मास 62, और ये रहा हमारा सॉल्वेंट कितना है,
200 ग्राम इंटू 1000, लीजिए जी मोलैलिटी आ गई, और मोलैलिटी की वैल्यू अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 आएगी, 18 मोल पर केजी, यूनिट भी लिख दी हमने। अब रह गई हमारे पास कैपिटल एम यानी मोलैरिटी, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो हमने अभी देख ही लिए कैसे निकालने, बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे हम भाई। देखो जी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलाते हैं, दैट इज 222.6 प्लस 200, ये टोटल मास आ गया, और टोटल मास हो गया आपके पास 422.6 ग्राम। लीजिए जी होने लगा सॉल्व। अब क्या करना है आपने, अब आपने नहीं हमने करना है कुछ, क्या यहां थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, राइट। अब कैसे सॉल्व करें, हमारे पास है अब डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया, मास दैट इज 422.6 डिवाइड बाय डेंसिटी 1.072। लीजिए जी यहां से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और वॉल्यूम आता है लगभग लगभग 394.2 ml अप्रॉक्सीमेट। बस जी हमारा मोल्स भी तैयार है, वॉल्यूम भी तैयार है, तो मोलारिटी क्यों भाग रही है पीछे, ये भी तैयार है। ये हो गया 222.6 बाय 62। वॉल्यूम इन लीटर चाहिए तो हमने कर दिया 0.3942 लीटर बन गया, इतना तो समझ है ही है सबको, मिल लीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, ये बन गया लीटर। बस अब क्या है, कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वैल्यू लगभग आती है 9.11 मोल पर लीटर। ये लीजिए जी हो गया क्वेश्चन आपका तैयार। बस कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले थोड़ा सा जरा होने चाहिए, और आपको गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, तो उसमें कोरिलेशन बिठाना आना चाहिए भाई। देखो एक बात, इतनी बात समझ लेना कि एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन में से ही आपको सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करना है, वो चीज़ सीखनी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका हमने फॉर्मूला लिखा, फिर नज़र दौड़ाई कि हमारे पास भाई क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और किसको हम कैसे निकाल सकते हैं। टफ नहीं होते, टिपिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। ओके जी, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या गिवन है, अभी तक हमारे पास जो गिवन है वो है ड्रिंकिंग वाटर, चलिए जी पानी है, सीवियरली कंटामिनेटेड मतलब उसके अंदर क्लोरोफॉर्म कुछ जरूरत से ज़्यादा है, जो कि एक कार्सिनोजेनिक कैंसर होता है इससे, कार्सिनोजेनिक का मतलब। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15% ppm बाई मास। देखो इतनी कम क्लोरीन है लेकिन फिर भी वो कार्सिनोजेनिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बता दिया, दैट इज CHCl3 जो है 15 ppm बाई मास। ppm का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना है। ओके अब फाइंड क्या करना है, अब इसमें तो अलग से आपको दिया ही है फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, आपको ppm को परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज बाय मास इसी कंसंट्रेशन को 15 ppm को हम कैसे लिखेंगे। और दूसरा क्या है, डिटरमाइन द मोलैलिटी m ऑफ द सॉल्यूशन, दो चीज़ें आपके पास हो गई बेटा। तो 15 ppm का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, यानी हमारे पास होगा 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10^6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। बाय मास लिखा है बेटा, 15 ppm बाय मास इस बारे में लिखा है। अब इसको आपने परसेंटेज में निकालना है, तो अगर हम 15 पहले यहाँ लिख देते हैं,
15 parts या ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसकी परसेंटेज बनानी है, तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करें, परसेंटेज बाई मास, 100 से मल्टीप्लाई तो करना होता है बस, दैट इज 15 by 10^6 इनटू 100, टोटल ये हो गया इतना पार्ट प्रेजेंट था, परसेंटेज आ गई, कितनी परसेंटेज आई, 15 × 10^-4%। ये लीजिए जी, पहला पार्ट हो गया हमारा डन। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलैलिटी निकालनी है आपको, और मोलैलिटी के लिए आपको मोलर मास चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है जी। तो मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। देखो हमने कहा ना आपसे कि आपने क्या है थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना है, तो आपको दिखाई देने लगता है कि एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल है। तो ये हो गया गिवन वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय एम नॉट इनटू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है जी। तो वेट है आपके पास 15 पार्ट्स का मतलब आप लिख सकते हैं 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10^6 ग्राम, ये सॉल्यूशन होगा। तो वेट हमारे पास आया 15, मोलर मास क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होगा 12 + 1 + 3 × 35.5 यानी लगभग 119.5। हाँ जी, तो 119.5। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपके पास, तो सॉल्यूशन है। अब यहां पर हमने एक ग्रीन कलर से इस्तेमाल करते हैं और लिख देते हैं कि हमारे पास अगर सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्वेंट हम निकालेंगे सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास। अब सॉल्यूशन है 10^-6 और ये है 15। अब बताओ जरा, कोई अच्छी बात थोड़ी है 10^6 में से 15 माइनस कर रहे हैं, लगभग कितना आएगा, 10^6 ही रह जाना है उसने, इतना ही रह जाएगा। तो हम इसी वैल्यू को यहां प्लेस कर देते हैं, 10^6 इंटू 1000। और अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.25 × 10^-4 मोलल, मोलल या फिर स्मॉल एम लिख देते हैं, या फिर यूनिट पूरी लिखे तो × 10^-4 मोल्स केजी इनवर्स। ये लीजिए जी। तो आपने करना क्या है, मैं बार बार बताता हूं आपको कि आपने क्वेश्चन को क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके फॉर्मूले को लिखिए, सब चीजें आपको निकल कर आने लगेंगे। थोड़ी सी तो बेसिक आईक्यू आपको इस्तेमाल करते चले जाना है। अब इसके बीच में हमारे कुछ आ गए थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसको हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि थ्योरी में काफी करा दिया है हमने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा 2.13 कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10^-3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। If the solution contain 5 × 10^-2 ग्राम ऑफ ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? Okay जी, तो क्या समझ आया कि कहाँ ये क्वेश्चन जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें? The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 ग्राम ऑफ ethane is 1 bar. If the solution contains 5 × 10^-2 ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कैसे करें, सोचिए जरा। वैसे तो मैं कराना शुरू कर देता हूं, लेकिन आपने क्या करना है कि कुछ
देर के लिए पॉज कर दीजिए वीडियो को और फिर खुद भी दिमाग लगाइए कि हम इसको कैसे करें, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल हमें गिवन क्या है। ठीक है, हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। आपको पार्शियल प्रेशर इथेन का दिया हुआ है, यहाँ ये कंटेनर बंद कर दिया हमने और यहाँ एक गैस इथेन ले ली, दैट इज C2H6। इसका पार्शियल प्रेशर दिया है आपको कितना, 1 bar। ठीक है जी, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो इथेन डिसॉल्व है, C2H6 डिसॉल्व है, अमाउंट है 6.56 इंटू 10^-3 ग्राम, इतना डिसॉल्व है, ये गिवन है। अब आपका अगला पार्ट, अगर यही सॉल्यूशन या कोई और सॉल्यूशन ले हम, लेकिन गैस वही है, अभी भी इथेन ही है, ये बंद कर दिया और ये रही हमारी इथेन गैस, समझिए क्वेश्चन क्या है, वही C2H6 यही गैस है। अब आपको बताना है कि इसका प्रेशर कितना होगा अगर ये गैस कितनी डिसॉल्व है, 5 × 10^-2 ग्राम इथेन डिसॉल्व है, मतलब गैस भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है, लेकिन अमाउंट डिसॉल्व अलग अलग है, तो प्रेशर भी अलग अलग आना चाहिए। तो क्या वो अलग प्रेशर है, क्या वो प्रेशर है, वो आपको फाइंड करना है। मेरी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। और यहाँ जो डेटा दिया है 6.56 इंटू 10^-3 ग्राम को लेकर दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। ठीक है जी, ये गिवन है, फाइंड करना है ये प्रेशर। तो अब हम क्या करें, अब हमें लगाना पड़ेगा हेनरीज लॉ, दैट मास ऑफ द डिसॉल्व गैस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। इससे तो मास ऑफ डिसॉल्व गैस है आपके पास 6.56 इंटू 10^-3 ग्राम, विच इज इक्वल टू के एच इंटू 1, प्रेशर है ना 1, ये आ गया, जिससे आपको के एच की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 6.56 इंटू 10^-3, इतने ग्राम पर बार के एच की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि गैस सेम है तो के एच भी सेम रहेगा, तो इसी के एच को आपने सेकेंड केस के लिए इस्तेमाल कर लेना। मास ऑफ द डिसॉल्व गैस यानी सेकंड केस में हमारे पास मास है 5 × 10^-2 ग्राम इंटू के एच इंटू पी। तो अब आपको ये पी निकालना है, आसान हो गया, तो पी हो गया हमारे पास 5 × 10^-2 बाय 6.56 इंटू 10^-3, इतना प्रेशर हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे 50/6.56, इतनी बार प्रेशर आएगा और ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 7.62 bar, इतना प्रेशर आएगा। इस प्रेशर से डिसॉल्व किया जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जा किधर रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करें, किस रिलेशन में है। तो जब तक आप इसको स्केच नहीं करते, विजुलाइज नहीं करते, न्यूमेरिक प्रॉब्लम जब तक विजुलाइज नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, तो सॉल्यूशन भी नहीं आता। बार बार पढ़ने से नहीं, आपने एक बार पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन ये पता है कि ये कहाँ से होगा, तो आप उसको देखिए, फॉर्मूले को उसको अप्लाई करिए। अब मास दिया है यहाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, तो हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, मास ऑफ द डिसॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट, मास की टर्म में था, मोल फ्रैक्शन की टर्म में होता तो अलग फॉर्म हो जाती है हमारे पास। अब हम अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं, बढ़ जाते हैं 2.15। अब 2.15 में क्या है,
An aqueous solution, 2% non-volatile solute, exert a pressure of 1.004 bar. भाई वाह, कितनी दूर जाकर वैल्यू आई है. At the normal boiling point of the solvent, what is the molar mass of the solute? आपको मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है. तो फिर से हमारा वही टास्क रहता है कि हमें गिवन क्या है और हम फाइंड क्या करेंगे. लेकिन गिवन फाइंड तो सब ठीक है, एलएसएस कौन करेगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 बार. तो एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास जो है 2% नॉन वॉलेटाइल. और प्रेशर एग्जर्ट होता है इसका 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम नॉट निकालना है आपको. और एक्वस सॉल्यूशन की बात करती है बेटा यहां पर. किसकी बात की है, एक्वस सॉल्यूशन की बात की है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. और यहां देखिए बार दिया है. तो जो सॉल्वेंट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, सॉल्वेंट है वाटर. और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात की है. तो बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है कितने टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट मिलता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर. 100 डिग्री सेल्सियस पर उस पर प्रेशर होता है हमारा 1 एटमोस्फियर, या फिर आप लिख सकते हैं 1.013 बार. तो ये तो आया आपके पास पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर फॉर्म का वैल्यू आ गई 1.013. और पी एस ये है आपके पास 1.004. अब देखो अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आपका काम आसान होने लगा. 2% का मतलब है 2 ग्राम सॉल्यूट इन 98 ग्राम सॉल्वेंट. सॉल्यूशन नहीं बोल रहे क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तो 100 बन जाएगा. सॉल्वेंट है पानी, वाटर. लो जी, इसका मोलर मास भी है, इसके मोल्स भी हैं. तो अब फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, फॉर्मूला लगना चाहिए पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू. और क्योंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ बताया नहीं, क्या है, कौन है, आयनाइज होता है या नहीं होता है, तो हम आई की वैल्यू को यहाँ 1 लेकर ही चलेंगे. अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू नहीं है हमारे पास. पी नॉट है, पी एस है, पी नॉट है, एन टू. एन टू हो गया सॉल्यूट को लेकर, तो इट इज वेट इन ग्राम बाई मोलर मास. एन वन वाटर को लेकर हो गया, सॉल्वेंट को लेकर. तो इसकी तो दोनों वैल्यू है 98/18, और 98/18 को हम यूज कर सकते हैं. एंड इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, वो तो दिख रहा है हमारे को भाई, हमने 2 ग्राम मात्र, ओनली 2 ग्राम मिलाया है इन 98 ग्राम. तो देख रहे हैं कि सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो सिर्फ 2 ग्राम है. तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो फॉर दिल सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिल देके देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वो हो गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन. बस जी, काम खत्म. पी नॉट 1.013, पी एस 1.004, पी नॉट 1.013, एन टू इज 2 बाई एम नॉट, एन वन 98/18. भाई ऐसी भी बात नहीं कि आप इसको एम नॉट को नया निकाल सके. तो एम नॉट आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 41.35 ग्राम पर मोल. ये आ गया आपका आंसर. फोटॉन्स चाहिए हमें, एनर्जी डाउन होती जा रही है. ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं आपको ये भी कि आपने क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, उसमें से गिवन और फाइंड आउट में से आप किस तरीके से कोरिलेशन करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए.
लाइक शेयर सब्सक्राइब की, LSS की एनर्जी चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए वीडियोस को, बहुत बेनिफिट है। अब अगला आता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये कुछ आइडियल वाइडियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, लीजिए जी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर रेस्पेक्टिवली, वट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अब अगर आपसे कह ही दिया है कि भैया ये है आइडियल सॉल्यूशन, टेम्परेचर भी बता दिया 100 डिग्री सेल्सियस है 373 केल्विन, और आपको पी नॉट की वैल्यूज दे दी है, आपको पी टोटल चाहिए। तो अब हम पहले तो अपना रूटीन नहीं तोड़ते हैं और तोड़ना भी नहीं चाहिए, तो हैप्ट प्लस ऑक्ट आइडियल सॉल्यूशन बनाया। पी नॉट ऑफ हैप्टेन इज इक्वल्स टू 105.2 किलो पा, और पी नॉट ऑफ ऑक्ट ऑक्टेन इज 46.8 किलो पास्कल, ये दिया है। अब आपसे कहा है कि वेट ऑफ हेप्ट इज 26 ग्राम 26 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्ट ऑक्टेन इज 35 35 ग्राम, ये सब कहानी गिवन है। फाइंड क्या करना है जी, हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है टोटल प्रेशर, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए आपको चाहिए पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑफ हेप्ट प्लस पी ऑफ ऑक्ट, जो आएगा आपका राउल्ट्स लॉ से, दैट इज एक्स इंटू पी नॉट ऑफ हेप्ट प्लस x इंटू पी नॉट ऑफ ऑक्ट। तो पी नॉट है, दोनों की वैल्यू है पी नॉट की, ये रही देखो। आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए, और मोल्स के लिए आपको वेट और मोलर मास चाहिए। मोलर मास निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हेप्टेन C7H16 हो गया, जिसका मोलर मास अगर हम निकालें तो मोलर मास आएगा इसका 100, और ऑक्टेन हो गया C8H18, इसका मोलर मास निकाले तो 114। अब बताइए कोई डाटा रहा थोड़ी है हमारे पास ऐसा जो हम ना निकाल सके। तो हमारे पास n ऑफ हेप्ट 26 बाय 100, ये आ गया 0.26। n ऑफ ऑक्टेन, वो वैल्यू है हमारे पास 35 बाय 114, ये वैल्यू आ गई 0.31। लो जी मोल्स भी आ गए। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, x ऑफ बोथ हेप्टेन एंड ऑक्टेन निकाल लेते हैं। तो हेप्ट है हमारे पास मोल्स 0.26 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 0.26 प्लस 0.31, दैट इज n2 बाय n1 प्लस n2 ऐसे। अब ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.456 आती है। तो x ऑफ ऑक्टेन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालेंगे 1 माइनस 0.456, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.544। लीजिए जी, अब हमें नहीं लगता कि कोई बाधा है आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, यहीं ले आते हैं पी टोटल। तो ये वैल्यू हो गई 0.456 इंटू ये वैल्यू 105.2 प्लस 0.544 इंटू 46.8। तो पी टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन की वैल्यू यानी जो वैल्यू आएगी टोटल वो आएगी 73.43 किलो पा, ये लीजिए जी सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल्स आर वंस अगेन टिपिकल,
टफ नहीं बोल रहे हैं बार बार। चलिए जी, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल है आपके लिए 2.17। केबीसी नहीं खेल रहे हम यहाँ कि भाई 1 करोड़ का सवाल आ गया, आप तो मजे आ गए, 1 करोड़ मिलेंगे, पढ़कर क्या करना है। ऐसा नहीं है, पढ़िए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि भाई अब गॉड ने हमें, ऊपर वाले ने हमें उतनी बुद्धि नहीं दी, तो आपको मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत कर लेते हैं धीरे धीरे, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के, सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर एक दिन आप इम्प्रेशन अपना छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो आपको भैया क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है इतने किलो पास्कल एट 300। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे आपका मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा आ गया। कैसे आया, तो गिवन पहले लिखते हैं, हम जल्दी भागते नहीं हैं। गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, यानी पी नॉट ऑफ एच टू ओ दिया है, कितना है 12.3 किलो पा। ठीक है जी, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी एस आपको निकालना है। और क्या दिया है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो ये है, ये फाइंड करना है आपको। अब सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है, यहां से शुरू करते हैं। यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं हम पहले लिखते हैं फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। ऐसे ये लीजिए, तो हमारे पास पी नॉट है, तो एन टू एन वन के लिए आपको मोलैलिटी की जरूरत पड़नी ही है। तो मोलैलिटी का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसको जैसे ही ऐसे लिखा, आपको एन टू तो इमीडिएट दिख गया, और यहां से एन वन दिखना चाहिए, एन वन इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, दैट इज 55.5। तो आ गया ना एन वन और एन टू दोनों की वैल्यू। तो पी नॉट कितना है हमारे पास, पी नॉट है 1.3 किलो पास्कल, पी एस पता नहीं, पी नॉट है 1.3, और अब एन वन और एन टू दोनों वैल्यूज है हमारे पास, एन टू की वैल्यू है 1, और एन वन प्लस एन टू 1 प्लस 55.5, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 55.5 ही, या चलिए 56.5 भी लिखें। तो अब इतने का सॉल्व करें अगर हम इतनी वैल्यू को, तो लगभग 0.0177 आता है। तो हमारे पास अब आ गया 12.3। ओहो, ये क्या फूल सा बन गया। 12.3 माइनस पी एस बाई 12.3 इज इक्वल टू 0.0177। अब तो आ गया पी एस, तो पी एस की वैल्यू आपको कितनी मिली, लगभग 12.08 किलो पा। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना ही है, प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में प्योर का इतना है, और ये वैल्यू आई 12.08। तो देख सकते हैं कम होना ही है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो। तो अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा लेंदी है, टिपिकल है, लेंदी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास दे दिया है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। पहले 100 था अगर प्योर फॉर्म का, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से 80 रह गया, 80% रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी, तो अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एक सॉल्यूट जिसका एम नॉट पता है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन, सॉल्वेंट पता है हमें कौन है, ऑक्टेन, ऑक्टेन
जिसका वेट हमारे पास है 114 ग्राम। और क्या गिवन है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ 80%। वेपर प्रेशर डिक्रीज इज 80%। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट है इसका वेट इन ग्राम आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करें, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ऐसे, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू, क्योंकि वेपर प्रेशर में डिक्रीज है। अब लेट पी नॉट इज 100, तो पी एस कितना हो गया? 80% डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज टू 80%। तो अब हमारे पास पी एस हुआ 80, या पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 100 माइनस 80 बाई 100। ठीक है ना, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। 80% रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 80%। ठीक है, रिड्यूस टू 80% का मतलब के 80% तक ले आए। रिड्यूस्ड बाय 80% होता, तो रिड्यूस्ड बाय 80% मतलब 80% कम कर दिया, और रिड्यूस टू 80% का मतलब हो गया 80% तक ले आए, यानी 20% रिड्यूस हुआ। तो अब हो गया एन टू बाय एन वन प्लस एन टू, नो इशू। एन टू इज डब्ल्यू बाय 40, एन वन है हमारे पास इसको लेकर वेट इन ग्राम, ऑक्टेन C8H18, एम नॉट कितना था इसका? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया 114, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो एन टू है आपके पास W बाई 40, और ये है आपके पास W बाई 40 प्लस 1, एक इक्वेशन एक अननोन। और जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो W आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम। 10 ग्राम आप यूज कर सकते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देते भाई, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन तो आपको बुक में मिल जाते हैं किसी ना किसी बुक पर, किसी ना किसी जगह पर, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, क्या गिवन है, कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। समझ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम आपकी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब ज़्यादा करिए, वीडियो देखिए हमारे, और हमें भी एनर्जाइज करते रहिए।